महाराष्ट्रनी देवनार मंडी में लई जवाती 70 जेटली ट्रको ने गुजरात महाराष्ट्रनी बॉर्डर भिलाड खाते महाराष्ट्र सरकारे परवानगी नहीं आपता अटकाववामां आवी हती। जो कि आ ट्रक में रहेला बकराओ मोटी संख्या में मौत ने भेटता समग्र भिलाड सहित सरहदी विस्तार में दुर्गंधि गंधायो हतो। बकराना मालिकोए महाराष्ट्र सरकार पासे परवानगी मांगी होवा छता पण नहीं आपता एक ज ट्रक में 200 થી 250 बकराओ भरेल 70 જેટલી ટ્રકો ભિલાડ ચેકપોસ્ટ પર જ અટકાવવામાં આવી છે। આ ટ્રકોમાંના કેટલાક બકરાઓ મોતને ભેટતા સરહદી સીમાડો દુર્ગંધથી ગંધાઈ ઉઠ્યો છે। और एक एक गाड़ी के अंदर 200-200 बकरे भरे हुए और हर गाड़ी के अंदर 10 से 15 बकरे मर गए भाइयों, 10 से 15 बकरे मरे हुए। बांस आ रही है, 3 दिन से बकरे भूखे हैं और इन्होंने सडनली लॉकडाउन कर दिया, सडनली बंद कर दिया, अल्टीमेटम भी नहीं दिया। बकरे चढ़ रहे बेचारे, बीमार से मर रहे बेचारे, ऐसा करके रखे अपने मुख्यमंत्री साहब क्या कर रहे हैं बेचारे। देखो कितना कितना बकरिया मर रहे रोड पे, 70-80 गाड़ी खड़ी है, हर गाड़ी में 10 बकरे मरे। अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो हम क्या करेंगे बताओ। भी करके जल्दी से छुड़ाओ बकरे को, जानवर मर रहे बेचारे, जानवर मर रहे। बॉर्डर तक आ गया, महाराष्ट्र बॉर्डर छोड़ नहीं रहे, गुजरात से आया, राजस्थान। 3 दिन से बेचारे गौरी में देखो क्या हालत है बकरे की, बकरे की क्या हालत है देखो, एक के ऊपर एक बेचारे मर गए बेचारे, क्या हालत में देखो। आप लोग देखो प्लीज, प्लीज देखो, देखो प्लीज देखो। हम लोग को इतनी तकलीफ है कि क्या बताऊं, राजस्थान बॉर्डर छोड़ दिया, गुजरात बॉर्डर छोड़ दिया, महाराष्ट्र बोर्ड में सदर है, मुख्यमंत्री साहब मदद करा। देखो भाई ये सब गवली लोग हैं, ये सब वही है बकरे वाले मालिक लोग हैं, सब परेशान है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखो भाई इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, एक एक गाड़ी के अंदर मुंगे जानवर मर रहे। कम से कम आपको पहले ही उसका वार्निंग देना चाहिए कि हम ये चीज बंद कर रहे हैं तो हम मंगाते नहीं, और जिन्होंने मंगा लिए हैं ये देखो, ये भाई ये सब मालिक लोग खड़े हैं गाड़ी के। गाड़ी देखो ही नहीं, बोलो बोलो बोलो। ये देखो ये सब धनी खड़े हैं, ये सब बेचारे गरीब लोग हैं। अभी इनकी एक एक गाड़ी में 10-10, 12-12 बकरे मरे हुए और बांस आ रहा है। 4 दिन से बकरों ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं, सब परेशानी के सामना करना पड़ रहा है। सब बकरे राजस्थान बॉर्डर से यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहे और ना ही उतारने की जगह है हमारे पास। देखो भाई ये अभी आपको गाड़ियां बता रहे, देखो सर ये गाड़ियां देख लो, देखो साहब ये सब गाड़ियां खड़ी है। ये देखो ये कुछ बकरे उन्होंने नीचे उतार भी दिए हैं, तो यहाँ खाने के लिए भी कुछ है ही नहीं, ये आपके सामने ही है सर देख लो। ये देखो ये सब गाड़ियां हैं, देखो सर ये बकरे भी सब यहाँ से नीचे उतारे हुए हैं। ये देखो ये सब बकरे छोड़े, अब इनको खाने के लिए भी कुछ है ही नहीं और ये बारिश में भीग रहे हैं, ये आपके सामने ये देख लो। ये देखो ये बकरे हैं, ये पूरी गाड़ी भीगी हुई है, ऊपर से भी पानी गिर रहा है, एक एक बकरे की हालत देख लो आप, ये इसके ऊपर भी बकरे रखे हुए हैं। देखो सर ये बकरे यहाँ छोड़े हुए हैं, ये देखो सर इस तरीके से पानी पिला रहे हैं। अभी एक एक बकरे को जमीन पे उतार के पानी कैसे पिला सकते हैं, 150-200 बकरे हैं हमारे पास। ये देखो ये है सर, ये पोजीशन है, कम से कम कुछ नहीं तो हमको एंट्री दो, या एंट्री नहीं तो कोई ऐसी जगह दो कि कम से कम हम हमारे बकरों को कुछ खिला पिला सके यहाँ पर, क्योंकि ऐसी जगह पे खड़े हम, हमारे पास कुछ है ही नहीं अलाउ। हम रिक्वेस्ट करते हैं सीएम साहब से, जो हमारे उद्धव जी है, कि भाई हमको कुछ नहीं तो हमको परमिशन इतना दे दो कि भाई इनको खिलाने पिलाने का आप बंदोबस्त कर दो। ये देखो ये सब मालिक लोग बैठे हुए हैं, ये बेचारे सब ये खेती करके ये बकरे सब इनको यहाँ पर लेके आते हैं और उनके बाद उनको तुमने बंद कर दियो, सडनली बंद कर दियो, कुछ बताया नहीं, वार्निंग भी नहीं दी। देखो ये इसके अंदर भी बकरे हैं, ये बकरे सब भूखे प्यासे नीचे बैठे हुए देख लो सर, हर गाड़ी में से 3-4 कम से कम मेरे अंदाज से तो 12-12 बकरे मरे हुए, 10-12 बकरे। अभी उसको कहाँ फेंकेंगे हम लोग बताओ, और इनको बाकी जो बचे उनको कैसे वापस लेके जाएंगे। देखो ये सब गोली बैठे हुए।